वीर, मैं भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूंगा। देखना, मैं सबसे ज्यादा दूध पीकर फर्स्ट आऊंगा। नहीं चिंटू, तुम एक जिन हो, तुम जादू से जीत जाओगे। कोई नॉर्मल बच्चा तुमसे मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम मुझे किसी भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेने देते। भाइयों बहनों, हमारा नाम है क्रोधी पहलवान। हमारी डेयरी में ये कंपटीशन यह ले रखा हुआ है कि बच्चों को दूध पिए की आदत पड़ जाए। नहीं, मुझे तो वो झिंटू लगता है। क्रोधी इतना सारा दूध नहीं पी सकता। बस बस बिटुआ, हमार सब दूध खत्म है गवा। ये ट्रॉफी है ये बचवा पिंटू के लिए, और ये कंपटीशन में फर्स्ट आया है बंटी। अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि फुर्सतगंज में रोज हर तबेले से भैंसें चोरी हो रही हैं। पुलिस की काफी कोशिशों के बाद भी चोर पकड़ा नहीं गया है। अब सिर्फ न्यू डेयरी में ही भैंसे बची हैं, क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत सारे पहलवान कर रहे हैं। चलो झिंटू, एक मोटी तगड़ी भैंस बन जाओ, ताकि चोर तुम्हें चोरी करके ले जाए। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। लगता है उसे चोर ले गया। अब क्या करें? उसका पता कैसे करें? कहीं उसकी याददाश्त तो गुम नहीं हो गई? मुझे जिंटू पे भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी टेल पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी। चलो उसे ट्रैक करते हैं। मुझे पहले से ही शक था कि चोर यही होगा, क्योंकि सिर्फ इसकी भैंस ही चोरी नहीं हो रही है। तुम दोनों यही रुको, मैं जिंटू को ढूंढ के आता हूँ। अरे वाह चटोरी, खाओ खाओ, जितना चाट खाए के खाए ले। जब तक हम तुम्हारे मालिक है ना, तुमका चाट के कमी ना होई। अरे चटोरी, अरे हमका बचाओ, मेरा मालिक खतरे में है। चिंटू आ रहा है, उसकी सर पे मारो, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अपनी बंदूक छोड़ के आम फेंक फेंक के काहे मार रहा है? समझ में नहीं आ रहा इको का हो गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अभी का जादू है जिंटू, इनको ये सब भुला दो। उन्हें ये याद नहीं रहना चाहिए कि उनकी चटोरी लड़का बन गई। रोबो बॉय, हमार चटोरी कहाँ गई? चटोरी तो चाट खाने भाग गई। अब तुम लोग भी जेल जाके चाट खाओ। मैं भी खेलूंगा। लाओ मैं निशाना लगाता हूँ। देखा, इसे कहते हैं निशाना। ये तो तुमने जादू से किया है। बिना जादू के लगा तब मानेंगे तुम्हारा निशाना। लो, इस बार बिना जादू के करता हूँ। तुम्हारी बॉडी में जादू है, तुम जैसे भी मारोगे निशाना सही लगेगा। हमारे साथ ये गेम खेलना है तो अपने बदन से जादू निकाल के यहाँ आओ।
अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम, मेरे बदन से जादू निकल के बाहर आ जाए। अभी मेरी बारी है, मैं निशाना लगाऊंगी। इसे निशाना कहते हैं? ऐसा बकवास और बेकार निशाना मैंने कभी नहीं देखा। और डांट लाओ। अरे वाह, ये कैसे हो गया? मेरे अंदर जादू की शक्ति आ गई। I can't believe it। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बाय बाय, बाय बाय। अब तुम देखो मैं क्या क्या करता हूँ। स्कूल का टाइम हो गया है, मैं चला स्कूल। वीर दिखाओ, आज तुम अपनी जितनी जादू की ताकत दिखा सकते हो। आज मैं तुमसे कम नहीं हूँ। हम इससे जादू की ताकत छीन नहीं सकते, कुछ दिमाग लगाना होगा। ओके, एक तरीका है, सुनो। मैं दादाजी को सब समझा के तैयार करती हूँ और वहाँ लेकर जाती हूँ। हम पहुँच गए हैं, तुम अपना ड्रामा शुरू करो। इमली, मैं महान जादूगर गोगा के पास अपनी शक्ति डबल करने काली पहाड़ी के पीछे जा रहा हूँ, तभी मैं बंटी को हरा सकता हूँ। वो सिर्फ एक दिन के लिए ही आए हैं और किसी को मना नहीं करते हैं। चलो वीर, शुरू करो। जादूगर ये लीजिए, मैं अपनी पुरानी ताकत निकाल देता हूँ, आप मुझे नई शक्ति दीजिए। जाओ बेटा, आज से तुम्हारी ताकत डबल हुई। थैंक यू महान जादूगर गोगा, थैंक यू। बंटी, मैं आ रहा हूँ। महान जादूगर गोगा को मेरा प्रणाम। प्रणाम बच्चे, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं एक छोटा जादूगर हूँ और आपके आशीर्वाद से अपनी शक्ति को दोगुनी बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन पहले पुरानी शक्ति बाहर निकालो, तभी हम तुम्हें डबल पावर वाली नई शक्ति दे सकते हैं। ये क्या? ओ मेरी शक्ति! बचपन की तस्वीरें बहुत अच्छी है। जिंटू, तुम अपने बचपन का एल्बम दिखाओ, हमें भी तो पता चले
तुम जब छोटे थे तो कैसे दिखते थे? मेरे पास तो कोई एल्बम नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये जरूर दिखा सकता हूँ कि बचपन में मैं कैसा दिखता था। वाओ, जिंटू तो बचपन में बहुत प्यारा था। हाउ क्यूट। ओ बेबी जिंटू, आओ। ये कहाँ गया? जिंटू, जिंटू! ये गायब हो गया तो ढूंढना मुश्किल होगा। जिंटू! अरे वो जिन है, उसे चोट नहीं लगेगी। जिंटू वापस बड़े हो जाओ। जेट शूज ऑन। जेट शूज ऑन। मुझे तो सब गोल गोल दिख रहा है। मुझे चक्कर आ रहा है। फैन बंद करो। बच्चा बन के हमें दिखा रहा था और बड़ा नहीं हो रहा है या हो नहीं पा रहा है और पूरे घर में उधम मचा रखा है। उसे मेरी लैब में जाने से रोको वरना पूरी लैब तहस नहस कर देगा। दादाजी वो लैब बर्बाद कर चुका है। ओ नो! घर के सब दरवाजे बंद कर दो, ये बाहर गया तो मुसीबत हो जाएगी। भाग लिया, अब रुक जाओ, भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसे पकड़ो वीर, बाहर तो वो हंगामा कर देगा। चलता अंकल, चलता अंकल। ओए, ये इतना प्यारा बच्चा किसका है? कोई है यहाँ? किसका बेबी है ये? बेबी, तुम्हें कौन छोड़ गया है यहाँ? बेबी तुम कार के ऊपर बैठो, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन छोड़ गया। ओए, 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 कार स्टार्ट कैसे कर दी तुमने? चोर, चोर! ओए रुक जा, इतना छोटा होके चोरी करता है। चलो कुछ खाते हैं। तुम लोग यही रुको, मैं चॉकलेट लेकर आता हूँ। ला मुझे दो। ये मेरा दोस्त है घनश्याम ठाकुर, प्यार से लोग इसे घंटी कहते हैं। हमारे स्कूल में नया नया आया है, इसलिए ये आइसक्रीम इसको तुम्हारी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ। ए घंटी, मेरी आइसक्रीम वापस करो। सोच समझ के घंटी से आइसक्रीम छीनने की कोशिश करना, ये कराटे चैंपियन है, तुम्हारी घंटी बजा देगा। बंटी, उसकी आइसक्रीम वापस करो। नहीं वापस करूँगा, तुम क्या कर लोगी? हाँ mm.
बहुत मजा आया। तुम्हें दूसरों की घंटी बजाने का शौक है ना? ऊपर वाले ने तुम्हारी घंटी बजा दी। टन 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 टन। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये कराटे चैंपियन है जो केले पे फिसल गए। कराटे क्या करता होगा? इमली, मैं तुम्हें देख लूंगा। वीर वीर, हमें भी कराटे कुंफू सब सीखना है। ओके, आ जाओ। याद रहे, कराटे सीखने के लिए बहुत सख्त डिसिप्लिन की जरूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन, अगर इन दोनों बातों का ध्यान रखोगे तो तुम लोग जल्दी ये सब सीख जाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मुझ में कूट कूट के भरा है, बस डिसिप्लिन ही सीखना है। पहले अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपना स्टैमिना बढ़ाना है। इसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग होगी। आ मेरे साथ। ओ, वीर उनको कराटे ट्रेनिंग दे रहा है। मैं भी चल के देखता हूँ कि वो क्या सिखा रहा है। दी, बस, और नहीं भाग सकती। वीर, थोड़ी गाजर मिल जाए तो मेरी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। वीर, बस बस, और कितना भगाओगे? हमें ओलंपिक की रेस में नहीं दौड़ना है, हमें कराटे फाइट सीखनी है। अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये स्कूल बंद हो रहा है। इस जमीन के मालिक ने स्कूल बंद करके यहाँ होटल बनवाने का फैसला किया है और एक बड़े बिल्डर को उसकी परमिशन भी दे दी है। तुम सब किसी और स्कूल में अपना एडमिशन करवा लो। सर, ये कैसे हो सकता है? आपकी परमिशन के बिना इस स्कूल की बिल्डिंग में होटल कैसे बन सकता है? आपने वो पेपर साइन क्यों किए? मैं स्कूल का मालिक नहीं हूँ, सिर्फ प्रिंसिपल हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रिंसिपल सर, प्लीज ऐसा मत करिए। इतने सारे बच्चे कहाँ एडमिशन लेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में हो? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती कि मैं इस जमीन का मालिक नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये फाइनल डिसीजन है स्कूल की जमीन के मालिक का, समझे? सर, सर एक मिनट सुनिए तो। सर, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? सर, प्रिंसिपल सर तो एकदम बदल गए हैं, वो मुझे पहचाने तक नहीं। वी, हम चुप नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। जिंदू, अगर हम उस बिल्डर को डरा के भगा दे तो ये स्कूल नहीं टूटेगा। ओके, चलो हम भूत बनके उसे डराते हैं। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। कौन हो तुम और क्या चाहिए? मैं उस स्कूल में रहता हूँ जिसे आप तुड़वा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे तोड़ के होटल मत बनाइए। तुम उसमें रहते हो? ये कैसे हो सकता है? उसमें तो हॉस्टल नहीं है। मैं तो उसमें 100 साल से रह रहा हूँ। मैं उस स्कूल का भूत हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। तुम भूत हो? बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। क्या पियोगे, ठंडा गरम? मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको यकीन नहीं हो रहा तो देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वाह वाह, क्या जादू है, कैसे किया? अब मुझे भी सिखाओ। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा। सिखाओ। मैं भूत हूँ, मैं किसी को ट्रेनिंग नहीं देता। मान जाओ मेरी बात, स्कूल मत तोड़ना वरना। प्लीज प्लीज, मुझे भी ऐसा जादू सिखाओ ना, प्लीज। तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तुम मुझे बच्चा समझ के मुझसे नहीं डर रहे हो ना?
मेरे और दोस्त आएंगे और तुम्हारी अच्छी खबर लेंगे। चिंटू, चिंटू। क्या क्या इशारा कर रहे हो? दीवार के पास जाना है। लेकिन क्यों? दरवाजा तो है ना। फिर आना प्लीज, मुझे भी जादू सीखना है। बड़ा अजीब आदमी है, भूत से भी नहीं डरता। मैं एनाकोंडा बन के यहाँ से जाता हूँ, देखना कैसे भागेगा यहाँ से। ध्यान से सुनो तुम, मैं तुम्हारे स्कूल का भूत हूँ। तुमने स्कूल तोड़ा तो मैं तुम्हें पूरा निकल जाऊंगा। ओ, तुम भी भूत हो? तुम्हारा एक दोस्त कुछ देर पहले ही आया था, मैंने तो सचमुच का एनाकोंडा समझा। बेकार ही डर रहा था। डरोगे नहीं तो मेरे पेट में जाओगे। एक मिनट एनाकोंडा भूत जी, मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। रुक जाओ ना प्लीज, मैं अपने बच्चों को बुलवा लेता हूँ, वो तुमको देख के बहुत खुश होंगे। अरे सुनती हो, चुन्नू मुन्नू बबली भैया को लेके जल्दी आ जाओ। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें डराने आया हूँ, फोटो सेशन के लिए नहीं आया। पहली बार जिंदगी में इतनी बेइज्जती हुई है, वो डरता ही नहीं है, मेरा जादू फेल हो गया। वाओ, इतना सारा खाना, चल चिंटू शुरू हो जा। चिंटू क्या कर रहे हो ये? भागो यहाँ से, भागो, चलो जाओ। चिंटू भगाओ इसे। चिंटू जाओ वरना दुलट्टी मारूंगा। हम तुम्हें बाद में बुलाते हैं। मुझे तो भगा दिया, देखता हूँ दादाजी को कैसे भगाओगे। बेटा ये सब बहुत टेस्टी है, थैंक यू बेटा। वेलकम दादाजी। चुलबुल, मुझे दाल में कुछ काला लगता है, अभी पता चल जाएगा। जिंटू ये लो, चाट भी है। चाट कहाँ है, जल्दी दो। सॉरी, खुद को रोक नहीं पाया। चुलबुल चलो फिर से मार्केट जाना पड़ेगा, केक मिठाई सब खरीदते। वीर, ये क्या कर रहे हो? अब मेरे ऊपर दोष मत लगाना। वीर, वीर, रुको, रुक जाओ। अगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। Oh!
पार्टी में ले जाने का टाइम आ गया है। बाय। क्या हुआ बच्चों? दादाजी, वीर के लिए हमने एक सरप्राइज पार्टी रखी थी और वीर ने सब चौपट कर दिया। वो उस कमरे में छुपा है, जाओ और पकड़ लो उसे। वीर, डर के छुपे क्यों हो? हिम्मत है तो लाइट जलाओ। मैंने और चुलबुल ने तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी और तुम सब सामान खा गए। ओ नो, मुझे नहीं पता था तुमने पार्टी रखी है। वैसे मैंने कुछ नहीं खाया, ये जिंटू की शरारत होगी। लाइट जलाओ ना, फिर अंधेरा क्यों है? ये क्या वीर? मैं तुम लोगों को सरप्राइज पार्टी देना चाहता था और तुम लोग मुझे। हैप्पी बर्थडे वीर। हैप्पी बर्थडे वीर। बच्चों जल्दी से केक काटो। वाह, आज सब मेरे बिना ही पार्टी कर रहे हैं। जिंटू, सॉरी, वैसे आज क्या है जो सब पार्टी कर रहे हैं? आज वीर का बर्थडे है, लेकिन पार्टी तो तब होगी ना जब तुम्हारे भूखे पेट से कुछ बचेगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। हैप्पी बर्थडे वीर। वाव, कितना सुंदर केक है। चलो वीर, अब केक काटो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Veer, happy birthday to you, happy birthday Veer. ये मेरी तरफ से सरप्राइज पार्टी है। जिंटू, तुम लोगों को मेरे टिफिन की खुशबू नहीं आ रही है क्या? नहीं तो पर ऐसा क्या है तुम्हारे टिफिन में? अरे आज मेरी मम्मी ने बड़ी खास चीज भेजी है। वो क्या? आलू के पराठे और आम का अचार। आलू के पराठे, आम का अचार। बंटी, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वाह, मजा आ गया। तुमने मेरे आलू के पराठे खाए? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सर, सर, जिंटू ने मेरा टिफिन खा लिया। सर, क्या कोई खास चीज थी तुम्हारे टिफिन में? हाँ सर, मेरी मम्मी ने आलू के पराठे भेजे थे। जिंटू, तुम यहाँ मत आया करो, तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए अगर वीर से मिलना है तो बाहर ही मिला करो, दोबारा स्कूल में दिखाई मत देना। चलो अब यहाँ से रवानगी डाल लो। जिंटू, तुम जाओ यहाँ से और यहाँ फिर मत आना। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। सर, मैं टीचर हूँ, मेरा नाम हरदयाल शर्मा है, मुझे जॉब चाहिए। ओके, मिस्टर शर्मा, आप अपनी डिग्री दिखाइए। एक मिनट, बताता हूँ मुझे कितने डिग्री टेम्परेचर है। ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? डिग्री? मुझे आपकी डिग्री चाहिए, मतलब कि जैसे किसी के पास डॉक्टर की डिग्री होती है, किसी के पास इंजीनियर की, किसी के पास पायलट की, वैसे ही हर इंसान के पास अलग अलग डिग्री होती है। हम आपका कार्यानुभव यानी एक्सपीरियंस और आपकी डिग्री एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। ओ, मेरी डिग्रीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये देख लीजिए। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और पायलट भी? ओह नो, आप साइंटिस्ट भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम अमेरिका, स्कल्प्टर, पेंटर, आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर, सब कुछ। क्या बात है, आप तो चलते फिरती यूनिवर्सिटी हैं। फिर आप पढ़ाना क्यों चाहते हैं? बिकॉज आई लव ईटिंग, मेरे मतलब है टीचिंग।
ओ तो ये बात है, फिर तो आपको अभी के अभी ये नौकरी दी जाती है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको स्टूडेंट्स और टीचर्स से मिला देता हूँ। बच्चों ये तुम्हारे टेम्पररी टीचर हैं। मिस्टर शर्मा आप इस क्लास को पढ़ाइए, लंच ब्रेक में सब टीचर्स से आपकी मुलाकात होगी। ओके सर। ये तो जिंटू के जैसा लग रहा है। हाँ तो ये बताओ पढ़ाई में सबसे तेज लड़का कौन है? सर वीर है, ये जो मेरे बगल में बैठा है। वीर तुम खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि अपनी तारीफ अपने आप करना अच्छी बात नहीं होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, लेकिन अब खड़े हो जाओ क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ। लो तुम खाओगी। ये तीर तो उल्टा ही पड़ गया। हाँ तो तुम लोग बेंच पे जाके खड़े हो जाओ। क्यों क्यों सर क्यों? क्योंकि स्कूल में फोन लाना मना है और तुम लोगों की जेब में फोन है। नहीं सर हमारे पास कोई फोन नहीं है। तो देखो अपनी पॉकेट्स में। सर ये हमारा है, हमारा। ये पक्का जिंटू ही है। ये लंच ब्रेक कब होगा? जब घंटी बजेगी सर। सर जरा चाट खाने चले। हाँ चलो चलो। मैं चाट नहीं खाता। आउट यू मे गो नाउ। वीर तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं तुम्हें कभी पता नहीं चलने दूंगा कि मैं जिंटू हूँ। मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूंगा जिंटू। सर आप टिफिन नहीं लाए? नहीं। ओह कोई बात नहीं, टेस्ट माय फूड। सब आपस में मिल बांट कर खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सब में से खाइए, खाइए ना सर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जब तक स्कूल में हूँ आप सबका टिफिन यूं ही हर रोज खाता रहूँगा ताकि आपको बुरा ना लगे और आप ये ना सोचे कि मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं तो मैं घमंडी हूँ। मैं आपसे यूं ही घुल मिल के रहूँगा। हम लोग स्कूल के पिकनिक में माउंटेन ट्रेल जा रहे हैं। मैं भी चलूंगा। मैं यहाँ क्या करूँगा? हम तुम्हें अपने साथ स्कूल बस में नहीं ले जा सकते। इमली तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। जिंटू को बुलाओ, वो ले जाएगा मुझे, लेकिन मैं भी चलूँगा। दोस्तों को नमस्ते, दुश्मनों को प्रणाम, जो बोलो मैं कर दूंगा, जिंटू मेरा नाम। जिंटू देखो देखो बंटी भी जा रहा है, मुझे भी जाना है। तो तुम भी जाओ। छत पे चल बोले। जाओ। जिंटू जल्दी करो, चुलबुल बंटी के साथ पिकनिक नहीं जाना चाहता था। जल्दी से उसे वहाँ से हटाओ। जाना चाहता था। बॉस एक बार में ठीक ठीक से क्यों नहीं बताते हो? ये लो। वीर बचाओ मुझे, ऐसी पिकनिक नहीं चाहिए। चुलबुल क्यों चिल्ला रहे हो? तुम आ गए। ओ थैंक गॉड, चिंटू को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बॉस पिकनिक के लिए कुछ और सामान चाहिए। जिंटू हमें यहाँ पिकनिक नहीं आना था, हमें माउंटेन ट्रेल रिसोर्ट जाना था। तुम बिना सोचे समझे काम करते हो। तुम लोग कभी भी मेरे किसी काम की तारीफ नहीं करते। इतनी अच्छी जगह पिकनिक भेजा फिर भी नाराज हो। तुम लोगों को जो करना हो करो, जहाँ जाना है जाओ। ओए जिंटू मेरे भाई, ऐसे गायब मत हो यार। लिफ्ट आई है क्या? ना बाबा ना,
मैं इसमें कैसे लिफ्ट ले सकता हूँ? ये सोच लो, पिकनिक बास्केट का खाना जब खत्म हो जाएगा तो फिर बर्फी खानी पड़ेगी। ओके बाय बाय टाटा। नहीं नहीं रुको, मैं भी आ रहा हूँ। जाना था, चलो भेज ही देता हूँ। वहाँ बर्फ में उन्हें ठंड लग रही होगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वीर चीख क्यों रहे हो तुम? बच गए। कहाँ गया ये वीर? अच्छा तो यहाँ छुपा बैठा है, अभी दिखाता हूँ इसे। अरे देख क्या रहे हो, वीर को बचाओ। लेकिन ऐसा जादू मत करना कि लोगों को शक हो जाए कि तुम यहाँ हो। महापुरुष, क्लासेस तो खत्म हो गई, पंख बनाने का तरीका मिला कि नहीं? अरे मैं तो कहता हूँ जिंटू को बुलाओ, वही हमारी मदद कर सकता है। ये तुमने पुकारा और हम चले आए, काम क्या है ये तो बताए। हमें उड़ने वाले पंख चाहिए अभी। ये लो बॉस, उड़ने वाले पंख। चलो उड़ के देखते हैं। चाहिए बताओ तो सही। वीर तुम्हारा पैर, रिपेयर रिपेयर। आज संडे है ना, बिजली घर में कोई फोन नहीं उठा रहा। सुना है जहाँ जहाँ बिजली जाती है वहाँ बहुत चोरियाँ हो रही है। अब चिंता मत करिए अंकल, आज बिजली आ जाएगी। ओए महान पुरुष, वादा तो कर दिया है, अब बिजली कहाँ से लाओगे? चलो चुटकी बजाओ और जिंटू को बुलाओ, वही हमारी मदद कर सकता है। हाँ ठीक है, बोल। तुमने बुलाया और हम चले आए, काम क्या है ये तो बताएं।
आज रात शालिनी दीदी की शादी है, पूरे इलाके में बिजली का बंदोबस्त करो। ओके बॉस। डांटते ही रहते हो। ये वीर क्या कर रहा है? जल्दी से खूब सारी कार की बैटरीज ले आओ। अभी ले आता हूँ। बैटरीज यहाँ पे आ जाओ। जिंटू अब वायर ला और सब बैटरीज को जोड़ दे। हाँ, ये लो बॉस। अब इसे बिजली के पोल से जोड़ दो, फिर मैं ये बटन दबाऊंगा और हर घर में बिजली आ जाएगी। ओके बॉस। अभी लो। सब मेरी वजह से हुआ है। यहाँ रोशनी नहीं ला पाया तो दीदी की शादी खराब हो जाएगी। अब जो करना है मैं ही करूँगा। ऊपर वाले का जो बिजली आ गई। वीर ने ठीक कहा था कि बिजली आ जाएगी। जुड़ गया। वीर, इमली ने बताया कि तुमने बिजली वालों को बुलाकर बिजली ठीक करवा दी। थैंक यू सो मच बेटा। वेलकम आंटी। अभी अभी मिली खबर के अनुसार शिमला से आने वाला प्लेन लैंड नहीं हो पा रहा क्योंकि उसका आगे का व्हील खुल नहीं रहा। कोशिश जारी है। अरे मैं तो कहता हूँ जिंटू को बुलाओ। दोस्तों को नमस्ते, दुश्मनों को प्रणाम। जो बोलो मैं कर दूंगा, जिंटू मेरा नाम। जल्दी से मुझे और चुलबुल को एयरपोर्ट ले चलो। हेलो अल्फा चार्ली डेल्टा, लैंड करने की कोशिश करते रहो। इमली अंदर है, हमें उन सबको बचाना होगा। उन्हें सही सलामत प्लेन से बाहर निकालना होगा। ये लो, अभी लो। जिंटू ये क्या कर रहे हो? वापस भेजो सबको। फिर कभी ऐसा जादू मत करना। लोगों को ऐसे नहीं बचाना है। प्लेन का पहिया अटक गया है, उसे बाहर निकाल के प्लेन लैंड करा के लोगों को बचाना है। एक पहिए से इतना असर हो रहा है, मैं एक क्या अनेक पहिए लगा देता हूँ, अब तो लैंड हो ही जाएगा। जिंटू ये क्या कर रहे हो? पहिए निकालो जल्दी। अभी लो। जिंटू से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए थी। ये कुछ ना कुछ उल्टा जरूर करता है। जिंटू ये पहिए गायब करो, हम लोगों को ऐसे जादू नहीं दिखा सकते। तुम तो कभी भी मेरे काम से खुश नहीं होते। अल्फा चार्ली डेल्टा, अब सब नॉर्मल है। तुम उसी मुसीबत में हो और मैं इसी एटीसी टावर में हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ऑन।
इन बंदरों ने तो सबको तंग कर रखा है, इनसे पीछा छुड़ा नहीं होगा। दोस्तों को नमस्ते, दुश्मनों को प्रणाम, जो बोलो मैं कर दूंगा, जिंटू मेरा नाम। शहर को बंदरों से बचाओ। ओके बॉस। क्या करूं बॉस? कुछ नहीं, अब जो करना है मैं करूंगा। सिस्टम स्टार्ट। मंकी मोड। चुलबुल, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं उन बंदरों को देखता हूँ। ओके। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं। ज्वेलरी तुम्हारे काम की चीज नहीं है, इसलिए वापस कर दो। खाने पीने का जितना सामान चाहिए मैं दूंगा, आओ मेरे साथ, वरना मुझे बहुत सख्ती से काम लेना होगा। अब मुझे ही तुमको सबक सिखाना होगा। सरदार, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। आपको ज्वेलरी बॉक्स का कोई काम नहीं, इसलिए मांग रहा हूँ। वो तो तुम्हें लड़के ही लेना होगा। Let us fight! अरे बस बस, तुम जीते, मैं हारा। इलो अपना बॉक्स। अब मेरे घर आइए, हम दोनों दोस्त बन के भी रह सकते हैं। एक दूसरे को परेशान क्यों करें? तुम एक अच्छे इंसान ही नहीं, बहादुर इंसान भी हो। मैं फिर मिलूंगा। वीर, तुमने ये काम अपने सर पर लेकर गड़बड़ कर दिया है। जिस चोर को हमारे स्कूल के चंट, चपल और चालाक टीचर्स भी नहीं पकड़ पाए, तुम उसे कैसे पकड़ोगे? अपने हाथों से, और कैसे। थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वाह वीर, तुम्हारे बात से अभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। लेकिन हमारे पास इंतजार करने के लिए टाइम कहाँ है? और जब टाइम कम हो तो वो काम करना चाहिए जो चुटकी बजाते ही हो जाए। मैं हूँ जिन। निकलो यहाँ से। कहो वीर, ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जिसके लिए तुमने मुझे याद किया? जिंटू, हमारे स्कूल में कोई चोर आ गया है जो स्टूडेंट्स और टीचर्स की सामान की चोरी कर रहा है। जाकर पता लगा कि वो चोर कौन है, और जो भी चोर है उसे बोरी में बंद करके मेरे सामने लेकर आओ। ये लो। ये क्या किया तुमने? इतने सारे चोर कहाँ से आ गए? हमें तो सिर्फ एक ही चोर चाहिए था। तो इनमें से ढूंढ लो कौन सा चोर तुम्हें चाहिए। मैं तो उन सब लोगों को पकड़ लाया
जिन्होंने भी अपनी सारी जिंदगी में कभी ना कभी चोरी की है। उफ़, तुम भी ना जिंटू, खुद को सुपर दिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाते हो। भेजो इन सबको, वापस भेजो। और तुम रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा चोर को। ये क्या? रुको! अरे बबुआ, कितना भी तेज भाग लो लेकिन हमें नहीं पकड़ पाओगे। वो क्या कहते हैं, हमको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और नामुमकिन को मुमकिन करना मेरा काम भी है और मेरी आदत भी। सर, ये रहा आपका चोर। वाह वीर, तुमने तो एक इम्पॉसिबल काम कर दिया। बहुत बढ़िया। सर, अगर दिल से कोई काम करना चाहो तो हर काम पॉसिबल है। On your marks, get set and go! जिंटू को बुलाओ, वही तुम्हें जिता सकता है। तक दिना दिन दिन, मैं हूँ जिन। बोलो बॉस, किसके पीछे भाग रहे हो? ये स्कूल की रेस हो रही है, मुझे ऐसा डराओ कि किसी को पता ना चले और मैं रेस भी जीत जाऊँ। ये लो जी। क्या कर रहे हो? बिना रेस दौड़े ही मुझे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा दिया। इस तरह तो लोगों को शक हो जाएगा कि मैं जादू से आया हूँ। जल्दी वापस चलो, जल्दी। जिंटू, वीर को थोड़ा सा उठा के उड़ाते हुए ले चलो, ऐसा लगना चाहिए कि वो दौड़ रहा है। जिंटू, मेरे पैरों को तो जमीन पे पड़ने दो, वरना लोगों को लगेगा कि मैं उड़ रहा हूँ। जिंटू, मुझे छोड़ दो। तुम तो मुझे छोड़ ही दो, तुम किसी काम के नहीं हो। महक बहुत चालाक है, उसने
तुम्हें ऐसा रोबोट भेजा है जो अंडरग्राउंड रह के भी तुम्हें देख सके और पकड़ सके। यही तो प्रॉब्लम है दादाजी, कि वो मुझे देख सकता है लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता। इस प्रॉब्लम का सलूशन तो मेरे पास है, ये लो एक्सरे विजन ग्लासेस। तुम अपनी रोबोटिक आई पर इन्हें पहन लो, फिर तुम भी उसको डिटेक्ट कर सकते हो। ये हुई ना बात दादाजी। दादाजी रोबोट तो हमारे घर के नीचे ही है, अभी मैं जिंटू की हेल्प से इसे बाहर निकालता हूँ। जिंटू कहाँ हो तुम? तद्दिना दिन दिन, मैं हूँ जिन। कहो बॉस, क्यों याद किया? जमीन के नीचे एनाकोंडा है, उसे पकड़कर बाहर लाओ। अभी लो बॉस। ओह नो, ये क्या कर दिया तुमने? ये एनाकोंडास नहीं चाहिए, वो एनाकोंडा चाहिए जो इस वक्त हमारे घर के नीचे है। गायब करो इन्हें। आप कोई भी ऑर्डर ढंग से नहीं देते। मैं इन एनाकोंडास को वापस भेज रहा हूँ और खुद भी जा रहा हूँ। दादाजी जिंटू तो नाराज होकर चला गया, अब मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा। से बाहर निकाल रहा हूँ बॉस, वो बीन की आवाज सुन के बाहर आ जाएगा। ओए, बाहर ये सपेरा कहाँ से आ गया? बाहर भी सांप, अंदर भी सांप, अब कहाँ जाए? तू चला, तू आई बला को टाल, तू चला, तू क्या होगा कोटा? इस तरह सांप को टोकरी में बंद करके रखना अच्छी बात नहीं है, आप उसे छोड़ दो। आपको कोई टोकरी में बंद करके रखेगा तो कैसा लगेगा? इस सपेरे का चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, वो वीर का दोस्त कहाँ है? जिंटू का डुप्लीकेट। तुम मेरे साथ काम करोगे? हम रोज कई सांप पकड़ेंगे, हम लखपति बन जाएंगे। सांप या किसी भी जानवर को पकड़ना अच्छी बात नहीं। अरे चलो चलो, सब बस में बैठ जाओ, दिन भर यही नहीं रह सकते। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम जंगल में जाओ, अपने अपने घर। शूटिंग स्टार्स जब रात को दिखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब वही स्टार्स मिटियोर्स के रूप में धरती पे गिरते हैं तो बहुत बर्बादी कर सकते हैं। अभी अभी फुर्सतगंज और आसपास के इलाकों में मिटियोर शावर हुई है। एक बड़ा मिटियोर आसमान से गिरने वाला है, अभी सिर्फ उसके कुछ हिस्से टूट के गिर रहे हैं। अगर उसे धरती की एयर स्पेस के अंदर घुसने से पहले बर्बाद नहीं किया गया तो फुर्सतगंज बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें ही जाना होगा।
वीर की कोई जरूरत नहीं, अपना जिंटू किस दिन काम आएगा। जिंटू तुम ही ऐसा कुछ करो कि वो मीटियोर फुर्सतगंज पे ना गिरे। अभी करता हूँ चुटकी बजा के। अरे जिंटू ये क्या किया तुमने, बताओ तो सही क्या किया। हाँ ये कैसा चमत्कार है, समझ नहीं आ रहा। मीटियोर धरती पे तो गिरा ही नहीं, लेकिन ये कैसे हो गया। अब आप खुद ही देख लीजिए धरती की सैटेलाइट पिक्चर। जिंटू तुम ऐसा नहीं कर सकते, सब पहले जैसा करो और जाओ यहाँ से। काम बनाने की बजाय बिगाड़ते रहते हो। जाता हूँ, जब देखो मुझ पे ही गुस्सा होते हो। यकीन नहीं हो रहा, सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लगता है सैटेलाइट फोटोज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। वीर अब तुम्हें ही जाना होगा। वो देखो रोबो बॉय जा रहा है। ड्रिलिंग सूट ऑन। दादाजी मैंने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। हम देख रहे हैं वीर। वीर पीछे देखो, कोई एलियन है। वीर पीछे और एलियन है। अरे रोबो बॉय का कुछ पता नहीं। वो रहा रोबो बॉय, वो बच गया, उसने सबको बचा लिया। मेरे प्यारे लाफिंग रोबोट, इस वीर को खत्म कर दो, लेकिन ऐसे खत्म करना जैसे बिल्ली चूहे को खत्म करती है। आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली। Bye-bye, Veer! Nice meeting you! Twister suit on! Twister suit on! जिंटू को बुलाओ, वही इसको ठीक कर सकता है। ये रोबोट तो बहुत ही शक्तिशाली है। वो तो तभी आता है जब वीर बुलाता है, हमारे बुलाने से नहीं आएगा। जिंटू जिंटू कहाँ हो तुम, वीर खतरे में है। तुम सही समय पे आ गए। वो देखो उस रोबोट को, बहुत खतरनाक है। तुम जाके उसकी अच्छी खातिरदारी करो। ओके। आप क्या खाना पीना पसंद करेंगे, इंडियन चाइनीज कॉन्टिनेंटल चाय नाश्ता। चिंटू खातिरदारी से मेरा ये मतलब नहीं था, उसने वीर को आसमान में फेंक दिया है। तुम उसे खत्म कर दो। ओ ये बात है, सॉरी मैं गलत समझा। हाहाहाहा
सुपर हीरो कौन है? हीरो कहाँ, वो तो मार खा रहा है। भूल गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बड़ी बात है। चैंपियनशिप जरूर जीतेंगे। हमारे इस नए स्टूडेंट करण ने कई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जीती है। यकीन नहीं हो रहा कि हम चैंपियनशिप जीत सकते हैं। हाँ, हर साल तो वो इंटरनेशनल स्कूल वाले चीटिंग करके जीत जाते हैं। उनका प्रिंसिपल खुराना बहुत ही खराब आदमी है। करण, मैंने सुना है कि तुम अमेरिका जाके इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो। यस सर, लेकिन वहाँ पढ़ने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है और वो मेरे पास नहीं है। देखो करण, हम तुम जैसे टैलेंटेड लड़कों को स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप देकर फ्री पढ़ाते हैं। वहाँ रहना, खाना, पीना, पढ़ना सब फ्री। सच सर? क्या आप मुझे स्कॉलरशिप देकर अमेरिका भेजेंगे? यस करण, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। सर, मैं अमेरिका में पढ़ने के लिए कुछ भी करूँगा। तो बस तुम अपने पैर में चोट लगने का बहाना करके घर चले जाओ। हम 10 सालों से ये रेस नहीं हारे हैं, पर हाँ, इस बार भी हारना नहीं चाहते। ओके सर, थैंक यू सर। गवर्नमेंट स्कूल से कोई नहीं आ रहा क्या? वीर, तुम बहुत छोटे हो, इन बड़े लड़कों से जीतना इम्पॉसिबल है। मेरे दादाजी कहते हैं, थिंक पॉजिटिव, इम्पॉसिबल खुद पॉसिबल हो जाता है। आप रेस स्टार्ट करिए। वीर वीर, तुम नहीं दौड़ सकते। करण करण कहाँ है? सर, उसके पैर में चोट लग गई है, वो घर चला गया। जरूर उस खुराना ने कुछ गड़बड़ की है। अब क्या होगा? ऑन योर मार्क्स गेट सेट। मिस्टर खुराना, वो देखिए, वो
बच्चा गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से दौड़ रहा है, उसे क्या लगता है कि वो जीत जाएगा? कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो और हाँ, उस पर नजर रखो। वीर, तुम इन लड़कों से नहीं जीत सकते। अगर रोबोटिक पावर इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। जिंटू को बुलाओ, वही तुम्हें जिता सकता है। मैं हूँ जिन। बोलो बॉस, किसके पीछे भाग रहे हो? ये स्कूल की रेस हो रही है, मुझे ऐसा डराओ कि किसी को पता ना चले और मैं रेस भी जीत जाऊँ। बच्चे, थक जाओ तो बता देना, मैं गोदी में उठा लूंगा। ये लो जी। जल्दी कराओ, सब टेबल चेयर लगाओ। अभी तो रेस शुरू हुई है, सबको आने में टाइम लगेगा, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। क्या कर रहे हो? बिना रेस दौड़े ही मुझे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा दिया। इस तरह तो लोगों को शक हो जाएगा कि मैं जादू से आया हूँ। जल्दी वापस चलो, जल्दी। अरे वो बच्चा कहाँ गया? कहीं मेरे से आगे तो नहीं निकल गया? तुम कहाँ से आ गए? मैं तो आपके पीछे ही भाग रहा था। जिंटू, वीर को थोड़ा सा उठा के उड़ाते हुए ले चलो, ऐसा लगना चाहिए कि वो दौड़ रहा है। ये कैसे भाग रहा है? जिंटू, मेरे पैरों को तो जमीन पे पड़ने दो, वरना लोगों को लगेगा कि मैं उड़ रहा हूँ। जिंटू, मुझे छोड़ दो। तुम तो मुझे छोड़ ही दो, तुम किसी काम के नहीं हो। अब तो पीछे ही रहेगा, हमसे आगे नहीं निकल पाएगा। सुनो, वो लड़का आ रहा है, उसे आगे बढ़ने से रोक दो। तुम वही लटके रहो बच्चे, वहाँ झूला झूलो, ये उम्र झूला झूलने की ही है। बॉस, बोलो क्या करना है? करना क्या है, उठा के ये जाल उन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर फेंको जो वीर का मजाक उड़ा के गए हैं। अरे जिंटू, वीर को तो कम से कम बाहर निकाल लेना था। Yeah.
हे गाइस, हम इस बच्चे से हार गए तो बड़ी बदनामी होगी। कम ऑन, लेट्स स्टॉप हिम। बैटरी रख लो बैग में, वहाँ तुम्हारी चार्जिंग कौन करेगा? ये बैटरी काम आएगी। और ध्यान रहे, कोई ऐसी हरकत मत करना कि किसी को तुम पे किसी भी तरह का शक हो। ओके दादाजी, मैं ध्यान रखूंगा। मैं भी जाऊंगा। दादाजी कहो ना वीर अपने स्कूल कैंप में मुझे भी ले चले। नहीं चुलबुल, तुम नहीं जा सकते। जिंटू और तुम दोनों साथ खेलना। तक धिना धिन धिन, तक धिना धिन धिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। तक धिना धिन धिन, तक धिना धिन धिन। मैं 2 दिन 1 रात के लिए नीली झील के किनारे स्कूल कैंप जा रहा हूँ। क्योंकि मैं वीर के साथ नहीं जा सकता, इसलिए वीर चाहता है कि तुम मुझे वहाँ ले जाओ। ओके बॉस। जिंटू, अरे सुनो तो। ये चुलबुल बहुत चालाक है। तुम सबको स्कूल में सिखाया गया है कि टेंट कैसे लगाते हैं। अब टेंट लगाने का कंपटीशन है, जो पहले लगाएगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। नो चीटिंग वरना आई विल सी यू। रेडी रेडी गो। जल्दी जल्दी करो। वो देखो, बंटी चीटिंग कर रहा है। सर, मेरा टेंट लग गया सर। वेरी गुड बंटी, वेरी गुड। क्या इन्हें ढूंढ रहे हो? मेरी तरफ पड़े थे। तुम चीटर हो, तुमने चीटिंग की है, तुमने ये जानबूझ के छुपाए थे। हाँ, चीटिंग की है, क्या कर लोगे तुम? खट्टी मीठी
ए, बंटी से पंगा लेगा ना तो बंटी तुम्हारी घंटी बजा देगा, टिंग टिंग टिंग। इस बंटी को सबक सिखाना ही होगा। को थोड़ा और सबक सिखाना जरूरी है। वेलकम दोस्तों, पहले किसे खाऊं? तुमको, तुमको या तुमको? आज वीर को ऐसा डराऊंगा कि पूरा स्कूल उस पे हंसेगा। ये नहीं सुधरेगा, मेरा बस चले तो खुद भालू बनके इसको अच्छा सबक सिखाऊं। लो, तुम्हें मौका मिल गया। ओह थैंक्स जिंटू, थैंक्स। मजा चखा रहे हैं, मुझे उन दोनों को रोकना होगा। कौन है उधर? कौन है? वापस आओ, कौन है? सर, सर, बंटी के पीछे भालू पड़ गया था। बंटी घबरा कर जंगल में भाग गया है। अब क्या होगा? कक्कड़ सर, आप जाके उसे ढूंढो। चिंटू, चिंटू हेल्प, चिंटू यार कहाँ है तू? क्या कर रहा हूँ? वीर, वीर, हेल्प करो मेरे यार, ये जिंटू पता नहीं कहाँ चला गया। सर्च लाइट्स ऑन, सर्च लाइट्स ऑन। चिलबुल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मदद कर रहे हैं और क्या, उसी चक्कर में खुद फंसे जा रहे हैं। जिंटू कहाँ है तू? जिंटू, जिंटू कहाँ है तू? जिंटू को छोड़ो, बंटी को ढूंढो, वो जंगल के अंदर कहीं भाग गया है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। Thank you.
सर, आप मुझे बचाने आए। मैं तुम्हें क्यों बचाने आया? मैं भी फंस गया, अब हमें कौन बचाएगा? ऐसे मौके पे तो सिर्फ एक ही लड़का है, वीर, जो सबकी मदद के लिए आता है। पता नहीं मुझे बचाने वो आएगा कि नहीं। मैंने कहा था ना वीर आएगा, वो आ गया। देखिए सर, वीर आ गया। देखिए देखिए सर, बंटी भागो। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। इन्होंने मुझे ऐसे बांधा है कि लेजर बीम से रस्सी भी नहीं काट सकता। बहुत धन्यवाद बच्चे। लेकिन आपने हमें पकड़ा क्यों था? यहाँ तुम जैसे तमाम बच्चे और बड़े लोग आते हैं और जब वापस जाते हैं तो बहुत सारा कचरा यहाँ छोड़कर जाते हैं, जिससे कि हमारा जंगल बहुत गंदा हो जाता है। इसलिए हम सबको डरा धमका के छोड़ देते हैं ताकि फिर वो कभी ना आए। मैं आपका संदेश सबको दे दूंगा कि वो फिर कभी जंगल में कचरा ना फेंके। अच्छा तो मैं चलता हूँ, नमस्ते। तुम और बच्चों जैसे नहीं हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वीर है। अरे वाह वीर, तुम नाम के ही नहीं सचमुच के वीर हो। वीर आ गया। ये! जिंटू तुम यहाँ सो रहे हो? जब भी मुसीबत होती है तुम गायब हो जाते हो। मैं क्या कर रहा था कुछ याद नहीं। ओ नो, चुलबुल के पीछे एक भालू पड़ा था, मैं अभी आया, वो बेचारा पता नहीं कहाँ होगा। जिंटू मैं यहाँ हूँ। स्टूडेंट ऑफ द वीक। बंटी क्यों हमें कागज के रॉकेट मार रहे हो? मैंने कब रॉकेट मारा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? दोस्तों किसी ने देखा कि मैंने इमली और वीर को रॉकेट मारा? हाँ? नहीं, नहीं नहीं हमने तो हमने नहीं देखा, देखा। मैंने नहीं मारा, किसी ने देखा क्या? नहीं देखा, देखा? नहीं देखा। ठीक है बच्चू, अब तुम्हारे साथ जो होगा वो भी इमली और वीर के सिवा कोई नहीं देखेगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। तुमने क्या किया? उसे वापस बुलाओ। वो तुम्हें तंग कर रहा था और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जाओ तुम ही उसे वापस ले आओ, मैं नहीं लाऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। मम्मी बचाओ।
रोबो बॉय कहाँ गया? और तुम यहाँ कैसे? स्टूडेंट्स, इस हफ्ते जो भी सबसे अच्छा काम करेगा उसे स्टूडेंट ऑफ द वीक की ट्रॉफी दी जाएगी। अच्छे काम से मतलब है दूसरों की मदद करना, कोई गलत काम नहीं करना, समझे? यस सर। स्टूडेंट ऑफ द वीक की ट्रॉफी तो मैं ही जीत के रहूंगा। सुनो मेरा प्लान, मैं ये केले के छिलके कॉरिडोर में फेंक दूंगा, तुम दोनों सामने से आके उस पर फिसलना और काफी दूर फिसलने की एक्टिंग करना, फिर मैं तुम दोनों को पकड़ के बचा लूंगा और मुझे इस अच्छे काम के लिए स्टूडेंट ऑफ द वीक बनाया जा सकता है। देखिए सर, मैंने ड्रामा पूरा सुन लिया। हाँ तो मिस्टर कक्कड़, आप ध्यान रखिए कि सारा इंतजाम अच्छे से हो। ये क्या हुआ उनको? वो लोग तो स्किट कर रहे हैं और आगे कॉरिडोर के एंड में सीढ़ियाँ हैं, उनको रोकना होगा। वीर बेटा ये लो। हमें बचा लोगे। थैंक यू वीर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वीर, तुमने रोका नहीं होता तो हम नीचे ही गिर जाते। बंटी, वीर को थैंक्स नहीं बोलोगे? हाँ, थैंक यू। यू वेलकम। आज मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि सब मेरी तारीफ करेंगे। सुनो, कल मैंने एक डॉग ट्रेनर से बात की है, वो आज अपना डॉग यहाँ गेट से अंदर छोड़ देगा और वो डॉग सब स्टूडेंट्स पे भौंकेगा और उन्हें काटने के लिए दौड़ेगा। फिर तुम क्या करोगे बंटी? उसे इंग्लिश में जो भी बोलो वो सब समझ जाता है। मैं कहूँगा स्टॉप बॉकिंग, वो भौंकना बंद कर देगा, और मैं कहूँगा रन फ्रॉम हियर, और वो भागने लगेगा, और मैं चेस करूँगा और वो भाग के गेट के बाहर अपने मालिक के पास चला जाएगा और मुझे सब स्टूडेंट को बचाने के लिए बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी मिलेगी। मैं डॉग ट्रेनर से बात करने के लिए फोन लेकर आया हूँ। हेलो बंटी हियर। हेलो बंटी, मैं डॉग लेकर आ रहा हूँ। हाँ, मैं उसे गेट से अंदर छोड़ दूंगा, वो सब पे भौंकेगा और काटने भागेगा। डरना मत, वो काटता नहीं है। लेकिन याद रखना, जो कहना उसे इंग्लिश में ही कहना, वो तुम्हारी हर बात मानेगा, उससे सिर्फ इंग्लिश ही आती है। ओके, जल्दी भेजो उसे, मैं बाहर स्कूल प्लेग्राउंड में ही हूँ। ओफो, ये कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, किसी मैकेनिक को बुलाना होगा। सुनो, तुम इसे अभी के अभी स्कूल ले जाओ। अच्छा हुआ सब टीचर्स प्रिंसिपल भी यहाँ है। अब मैं दिखाता हूँ अपनी बहादुरी। हे डॉग, स्टॉप बार्किंग। का टाप टाप चिल्लाता है रे, अब मेरी सुन। स्टॉप स्टॉप, रन रन। वो देखो, वो डॉग किसी के पीछे पड़ा है। समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा मजा इसको भी चखा दूं। ये डॉगी, गुस्सा थूक दो, क्रूर मनुष्य का ही नहीं डॉग का भी दुश्मन है। अभी बताता हूँ क्रोध किसका दुश्मन है रे। क्रोध मनुष्य का दुश्मन होगा रे। हड्डी मिल गई, छोड़ यार,
इनसे क्या झगड़ा। प्लान मैं बनाता हूँ और क्रेडिट वीर ले जाता है, लेकिन इस बार मेरा प्लान कामयाब होगा। मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाके दरवाजा बंद कर लूंगा। तुम लोग प्रिंसिपल सर से कहना कि एक चोर आपके ऑफिस में चोरी करने आया है और बंटी उससे अंदर जाके लड़ रहा है। तुम अंदर से दरवाजा बंद करके फाइटिंग की एक्टिंग करोगे, शोर मचाओगे जैसे चोर से लड़ रहे हो, फिर मैं दरवाजा खोल के कहूँगा चोर खिड़की से भाग गया। ये लो सब लोग अपने अपने बैग्स, ये प्लान परफेक्ट है। चलो चलो, असेंबली खत्म हो रही है। सर, एक चोर सबके बैग चोरी करके आपके ऑफिस में भी चोरी करने गया है सर, और बंटी ने उसे देख लिया है, वो उसे लड़ने गया है सर, और दरवाजा अंदर से बंद है, अब हम क्या करें? चोर, चोर, पकड़ो! देखा सर, बंटी कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। बचाओ, हेल्प, असली चोर है, हेल्प! क्या हुआ सर? वीर, एक चोर अंदर है, उसने बंटी को पकड़ लिया है। एक बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है? मैं बच्चा नहीं, रोबोट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आगे मत आना, मैं कह देता हूँ। कैसे हो सकता है? इसके हाथ लंबे हैं, इसके हाथ लंबे हैं। उसे कैसे डरा दिया, लेकिन तुमने आज स्कूल का सारा पैसा बचाकर बड़ा काम किया है और बंटी को भी चोर से बचाया। चलो ऑफिस चलो, मैं तुम्हें स्टूडेंट ऑफ द वीक की ट्रॉफी देना चाहता हूँ। इंटर स्कूल रोबोट कंपटीशन। स्टूडेंट्स, कल हमारे स्कूल में इंटर स्कूल रोबोट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि इस मुकाबले में हमारे स्कूल से कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सर, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। वेरी गुड वीर, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर सर, यू आर प्राउड ऑफ मी ऑल्सो ना? क्यों, तुमने ऐसा क्या कर दिया? सर, मेरा मतलब है यू विल बी प्राउड ऑफ मी ऑल्सो, मैं भी रोबोट बना के लाऊंगा।
पापा पापा प्लीज प्लीज, एक रोबोट की ही तो बात है, किसी से कहकर बनवा दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज, अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तू मेरा पीछा छोड़ दे, रोबोट बनाना कोई आसान काम नहीं है। मेरे स्कूल में बड़ी बेइज्जती होगी। इसे रोबोट चाहिए और हमें वीर, शायद बॉस कोई हेल्प कर सके। मोना देखा तुमने, हमारा टिम्बकटू अब बड़ा हो गया है, उसका प्लान बहुत अच्छा है। मैं इसे रोबोट बना के दूंगा जो इंटर स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा तो लेगा ही, उसके साथ साथ वीर को भी पकड़ के ले आएगा। वीर ये लो, कुछ प्लेट्स और कटोरियां हैं जो अब हम इस्तेमाल नहीं करते। थैंक यू दादाजी, ये हमारे स्कूल की इज्जत का सवाल है, मुझे ये कॉम्पिटिशन जीतना ही होगा। वीर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मैं जादू से बना देता हूँ, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। देखो गाजर से बना एक शुद्ध देसी रोबोट, इसके फीचर्स बाद में बताता हूँ, पहले इसके काम देख लो। ये तो बहुत छोटा है, कुछ और बड़ा बनाओ तो मजा आएगा। ये लो बड़ा बन गया, अब आएगा मजा। मेरा रोबोट खा लिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वीर बचाओ, देखो चिंटू ने मेरा ही रोबोट बना दिया। वीर मम्मे पापा ने मेरे लिए रोबोट नहीं बनाया। ओए तेरे पापा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो रोबोट बना के देंगे। तू कुछ और मांग पुत्र, रोबोट छोड़ के कुछ भी मांग ले। रोबोट ले लो, रोबोट, टूटे फूटे सामान से बना हुआ रोबोट। पापा पापा कोई रोबोट बेच रहा है। रोबोट ले लो, रोबोट, टूटे फूटे सामान से बना हुआ रोबोट, घर के वेस्ट मटेरियल से बना हुआ रोबोट। अंकल अंकल मुझे एक रोबोट चाहिए। ले लो बेटा ले लो। आप इस तरह कैसे रोबोट बेच रहे हैं, जैसे आलू प्याज बेच रहे हो। मूर्ख इंसान, हम 21वीं सदी में हैं। तुम कौन से युग की बात कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे में रोबोट का शौक देखकर मुझे खुशी हुई। ये लो बेटा मेरी तरफ से ये तुम्हें फ्री गिफ्ट। यस फ्री गिफ्ट, मैं तुम जैसे होनहार बच्चों को एनकरेज करता हूँ ताकि बड़े होके तुम साइंटिस्ट बनो। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ इसे ऑपरेट कैसे करना है। मेरा डोंकी सेंस कहता है यहाँ कुछ खतरा है, वो दाढ़ी वाला आदमी सही नहीं है। चलो एक दुलाटी मार के देखता हूँ। ये तो टिम्बकटू जैसा लग रहा है, एक दो लात और मार के देखता हूँ। बचाओ, हेल्प, ये गधा मेरे पीछे क्यों पड़ा है। ये था सेंट मैरी के स्टूडेंट का रोबोट, और आर्य शिक्षा मंदिर स्कूल के स्टूडेंट का रोबोट आएगा। यमी, अच्छी चाय बनाई है। फ्रेंड्स अब बारी है इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट रॉकी के रोबोट की। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी का रोबोट मेरे रोबोट को बाइक रेस में हरा सके। मेरे पास दो बाइक है, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और हार मान लो, वरना मेरे रोबोट को बेस्ट मान लो। मेरे रोबोट को तो बाइक चलाना आता ही नहीं। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। Yeah!
से बाहर हो गया है और अब हमारे स्कूल से बंटी अपना रोबोट लेकर आएंगे। और अब हमारे ही स्कूल से वीर के रोबोट की बारी है। लिए बहुत गर्व का दिन है। सब जजेस ने वीर के रोबोट को फर्स्ट कहा है। इससे बढ़िया रोबोट हो ही नहीं सकता। वीर, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मेरा रोबोट सबसे अच्छा है। आई चैलेंज वीर के रोबोट को। ओपन चैलेंज। मेरे रोबोट से फाइट करके दिखाए। बंटी, स्टॉप इट। आई से स्टॉप इट। सर, अभी पता चल जाएगा किसका रोबोट इज द बेस्ट। आई चैलेंज वीर्स रोबोट फॉर अ फाइट। प्रिंसिपल सर, परमिट हिम। वीर ने मोबाइक रेस का चैलेंज भी एक्सेप्ट किया था, इसलिए बंटी को भी चैलेंज करने का हक है। ओके, फाइट। लेट्स सी हु इज द बेस्ट। रोबोट बनाया है, एक फाइट भी ठीक से नहीं कर सकता। मेरे बॉस को बेवकूफ कहा? अभी मजा चखाता हूँ। अब ये मेरे कंट्रोल में होगा। ये तो मैड मैक्स का काम लगता है। तुम ठीक कह रही हो। रोबो बॉय को आना होगा। रोबो बॉय? आप सब एक साइड में हो जाइए। प्रिंसिपल सर, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने गया था। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप फोन करके उन्हें बताइए ना। थैंक यू वीर, अब उसकी जरूरत नहीं। रोबो बॉय ने आकर सब ठीक कर दिया। अब मैं जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से फर्स्ट प्राइज अनाउंस करें। प्राइज वही है जो पहले था। वीर का रोबोट फर्स्ट है।